पंचायत जयशंकर प्रसाद। मंदाकिनी के तट पर रमणीक भवन में स्कंद और गणेश अपने अपने वाहनों पर टहल रहे हैं। नारद भगवान ने अपनी वीणा को कलह राग में बजाते बजाते उस कानन को पवित्र किया। अभिवादन के उपरांत स्कंद गणेश और नारद में वार्ता होने लगी। नारद स्कंद से, आप बुद्धि स्वामी गणेश के साथ रहते हैं, यह अच्छी बात है। फिर गणेश से, और देव सेनापति कुमार के साथ घूमते हैं, इससे टोन दिखाकर आपका भी कल्याण ही है। गणेश, क्या आप मुझे स्थूल समझकर ऐसा कह रहे हैं? आप नहीं जानते, हमने इसीलिए मूषक वाहन रखा है जिसमें देव समाज में वाहन न होने की निंदा कोई न करे, और नहीं तो बेचारा मूस चलेगा कितना। मैं तो चल फिर कर काम चला लेता हूँ। देखिए, जब जननी ने द्वारपाल का कार्य मुझे सौंप रखा था, तब मैंने कितना पराक्रम दिखाया था। प्रमत गणों को अपनी पदमर्यादा हमारे सोंटे की चोट से भूल जाना पड़ा। स्कंद, बस रहने दो, यदि हम तुम्हें अपने साथ न टहलाते तो भारत के आलसियों की तरह तुम भी हो जाते। गणेश हंसकर, नारद जी, देखते हैं न आप, लड़ाके लोगों से बुद्धि उतनी ही समीप रहती है जितनी की हिमालय से दक्षिणी समुद्र। स्कंद, और यह भी सुना है, ढोल के भीतर पोल। गणेश, अच्छा, तो नारद ही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है। नारद भाई, मैं तो नहीं निर्णय करूंगा, पर आप लोगों के लिए एक पंचायत करवा दूंगा जिसमें आप ही निर्णय हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चलते बने भाग दो। वटवृक्ष तल सुखासीन शंकर के सामने नारद हाथ जोड़कर खड़े हैं। दयानिधि शंकर ने हंसकर पूछा, क्यों वत्स नारद, आज अपना कुछ नित्य कार्य किया या नहीं? नारद ने विनीत होकर कहा, नाथ, वह कौन कार्य है? जननी ने हंसकर कहा, वही कलह कार्य। नारद माता, आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो चुके। यह तो लोग समझते ही नहीं कि यह महामाया ही की माया है, बस हमारा नाम कलह प्रिय रख दिया है। महामाया सुनकर हंसने लगी। शंकर, हंसकर कहो, आज का क्या समाचार है? नारद, क्या अभी तो आप यूं ही मुझे कलहकारी समझे हुए बैठे हैं? मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि बस तुम्ही ने सब किया है। मैं जाता तो हूँ झगड़ा छुड़ाने, पर लोग मुझी को कहते हैं। शंकर, नहीं नहीं, तुम निर्भय होकर कहो। नारद, आज कुमार से और गणेश जी से डंडेबाजी हो चुकी थी, मैंने कहा आप लोग ठहर जाइए, मैं पंचायत करके आप लोगों का कलह दूर कर दूंगा। इस पर वे लोग मान गए हैं। अब आप शीघ्र उन लोगों के पंच बनकर उनका निबटारा कीजिए। शंकर, यहाँ तक अच्छा, झगड़ा किस बात का है? नारद, यही कि देव सेनापति होने से कुमार अपने को बड़ा समझते हैं, और जननी की ओर देखकर बुद्धिमान होने से गणेश अपने को बड़ा समझते हैं। जननी, हाँ हाँ, ठीक ही तो है, गणेश बड़ा बुद्धिमान है। शंकर ने देखा कि यह तो यहाँ भी कलह उत्पन्न किया चाहता है, इसलिए वे बोले, वत्स, तुम इसमें अपने पिता को ही पंच मानो, कारण कि जिसको हम बड़ा कहेंगे दूसरा समझेगा कि पिता ने हमारा अनादर किया है। अस्तु, तुम शीघ्र ही इसका आयोजन करके दोनों को शांत करो। नारद ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती, तो जगत पिता के चरण रज लेकर विदा हुए। भाग तीन। नारद अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने सभाल सुनकर कहा, वत्स, तुझे क्या पड़ी रहती है जो तू लड़ाई झगड़ों में अग्रगामी बना रहता है और व्यर्थ अपवाद सुनता है? नारद पिता, आप तो केवल संसार को बनाना जानते हैं, यह नहीं जानते कि संसार में कार्य किस प्रकार से चलता है। यदि दो चार को लड़ाओ न और उनका निबटारा न करो तो फिर कौन पूछता है? देखिए, इसी से देव समाज में नारद नारद हो रहा है, और किसी भी अपने पुत्र की आपने देव समाज में इतनी चर्चा सुनी है? ब्रह्मा, तो क्या तुझे प्रसिद्धि का यही मार्ग मिला है? नारद, मुझे तो इसमें सुख मिलता है। यन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। ब्रह्मा, अब तो शंकर की आज्ञा हुई है, जैसे तैसे इसको करना ही होगा, किंतु हम देखते हैं कि गणेश जी जननी को प्रिय हैं, अतएव यदि उनकी कुछ भी निचाय होगी तो जननी दूसरी बात समझेंगी। अस्तु, अब कोई ऐसा उपाय करना होगा कि जिसमें बुद्धि से जो जीते वही विजयी हो। अच्छा, अब सबको शंकर के समीप इकट्ठा करो। नारद यह सुनकर प्रणाम करके चले। भाग चार।
विशाल वटवृक्ष तले सब देवताओं से सुशोभित शंकर विराजमान हैं, पंचायत जम रही है। ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, गणेश जी और कुमार में इस बात का झगड़ा हुआ है कि कौन बड़ा है। अस्तु, हम यह कहते हैं कि जो इन लोगों में से समग्र विश्व की परिक्रमा करके पहले आवेगा वही बड़ा होगा। स्कंद ने सोचा, चलो अच्छी भाई, गणेश स्वयं तुंदेले हैं, मूषक वाहन पर कहाँ तक दौड़ेंगे, और मुड़ पर मैं शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा कराऊंगा। फिर वह मोर पर सवार होकर दौड़े। गणेश ने सोचा कि भाव और भवानी ही तो पिता माता है, अब उनसे बका कौन विश्व होगा। अस्तु, यह विचार कर शीघ्र ही जगे जनक जननी की परिक्रमा करके बैठ गए। जब कुमार जल्दी जल्दी घूमकर आए तो देखा तुंदल जी अपने स्थान पर बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा, देखो गणेश जी आपके पहले घूमकर आ गए हैं। स्कंद ने क्रोधित होकर कहा, सो कैसे, मैंने तो पथ में इन्हें कहीं नहीं देखा। ब्रह्मा ने कहा, क्या मार्ग में मूषक का पदचिन्ह आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा था। स्कंद ने कहा, हाँ पदचिन्ह तो देखा था। ब्रह्मा ने कहा, उन्होंने विश्वरूप जगजनक जननी ही की परिक्रमा कर ली है। सो